साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड। भाई ये टॉपिक है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हर आदमी के पास समस्या आती है। हालांकि मेरे पास एक कमेंट भी आया था। देखिए होता क्या है, कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कंपनी आपकी सैलरी पेंडिंग रख लेती है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, COVID-19 में तो ज़्यादा हो रहा है, 6-6 महीने की सैलरी पेंडिंग होती है। उसके बाद उनको पता है कि अगर ये यहाँ से इनको निकालेंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को, आप गौर से सुनने की बात है। सैलरी कंपनी में सैलरी पेंडिंग पड़ी है, कंपनी आपको निकालना नहीं चाहती, आपका वीज़ा भी कैंसिल नहीं कर रही है, आपको पासपोर्ट भी नहीं दे रही है। ऐसे झोल हो जाते हैं तो बंदा जाए तो कहाँ जाए, बुरी तरीके से बंदा फंस जाता है। ऐसी स्थिति अगर यूएई में दुबई में आपके साथ है, बाकी गल्फ में भी सेम ही कंडीशन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है गल्फ कंट्रीज में, तो उस स्थिति में आप कौन सा कदम उठाएं ताकि आपको इन सब परेशानियों से बचना पड़े, बच जाएं और आपको ओवर स्टे, फाइन वगैरह, ब्लैकलिस्ट होने की भी नौबत ना आए। डिटेल से जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, 6 महीने की सैलरी बाकी है, आप उनको बोलते हैं सर सैलरी दे दीजिए या फिर मेरा वीज़ा कैंसिल कर दीजिए, मुझे घर जाना है, तो उस स्थिति में कंपनी सैलरी तो पेंडिंग रखी रही है, पूरा झोल तो उस पेंडिंग सैलरी के चक्कर में होता है। उसके बाद में वीज़ा, जैसे 2 साल का होता है, वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता है। बहुत सारी दुनिया के साथ ऐसा होता है कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी कंपनियां उनको बाहर नहीं निकलने देती, छुट्टी नहीं देती, क्योंकि उनको पता है ये निकलेगा तो हमें प्रॉब्लम आएगी, पूरी सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी। तो उस स्थिति में आप क्या कदम उठा सकते हैं, तो देखिए उस स्थिति में सबसे पहले आपके पास 2 ऑप्शन है। बहुत मैं बता दूं, इतने क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, उसके आधार पे मुझे पता लगता है कि लोग कंपनी पे आस लगा के बैठ जाते हैं, कंपनी सैलरी देगी, कंपनी वीज़ा रिन्यू करवाएगी, जबकि वीज़ा एक्सपायर हुए 6 महीने हो गए, किसी को 5 महीने हो गए, किसी को 2 महीने हो गए। अब वीज़ा एक्सपायर हो गया, उसके बाद भाई उसका वीज़ा दोबारा लगता है तो कितना फाइन भरना पड़ता है कंपनी को, तो कंपनी क्यों अड़ेक लेती है? अगर कंपनी आपको सैलरी देती तो वीज़ा आपका रिन्यू हो जाता ना, इतना लफड़ा ही नहीं होता। तो उस स्थिति में जैसे आपको पता लगे कि सैलरी 6 महीने से पेंडिंग है, वीज़ा एक्सपायर होने की कगार पे है, तो हम क्या करें? अगर आप भी हाथ पे आप दर के बैठे रहोगे तो ये बाद में गाज आपके ऊपर गिरने वाली है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है मैं बता दूं, अगर आप वीए में जॉब कर रहे हैं तो सबसे पहले कर्मचारी मानव संसाधन अमीरात मंत्रालय मोहरे में सबसे पहले आपको शिकायत दर्ज करवानी है। जी हाँ, कंपनी के बारे में एक अप्लीकेशन आपको लिखनी है, उसमें पूरी कंडीशन बतानी है, मेरी इतने टाइम से सैलरी बाकी है, मेरा वीज़ा आने वाले 2 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, या वीजे में 15 दिन का टाइम बचा है, वो उसमें मेंशन करेंगे। कंपनी नहीं मेरा वीज़ा रिन्यू नहीं कर रही है, नहीं मुझे सैलरी दे रही है, नहीं मेरा पासपोर्ट में वीज़ा कैंसिल कर रही है, रद्द कर रही है, जी हाँ, तो इसका मतलब आप कहीं इधर उधर नहीं जा सकते। अगर वो एविडेंस उधर आपने डाल दिए और उसकी कॉपी आपके पास है, तो कल के आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है कि आपका वीज़ा भी रद्द नहीं हो रहा है, कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, उसमें डेट खत्म हो गई है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी हट जाती है और वो जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर पड़ जाएगी। वो ऐसे पड़ जाएगी क्योंकि आपको पता है भाई दुबई में इलीगल रहना कानूनी अपराध है, पर डे 100 दिरहम पर डे फाइन लगता है, और वो इतना भयंकर फाइन होता है कि इतना बहुत महंगा पड़ जाता है, फिर आप चुका नहीं सकते उसको, और या तो फिर आप फाइन चुकाओ या फिर आप जेल में जाके ब्लैकलिस्ट होके इंडिया हो, तो डबल नुकसान हो गया आपको। तो वो अगर आपने शिकायत कर दी है इसी स्थिति में आएगी, तो फिर अगर जब आपका पासपोर्ट आपको लेना होगा, आपको वीज़ा स्टेटस चेंज करना होगा, तो वो जो आपका वीज़ा फाइन वाला जो मैटर है एक्सपायरी के डेट में, अब तक के बीच में 6 महीने का टाइम निकल गया या 2 महीने का, 3 महीने का, तो वो फाइन फिर विदेश जो मंत्रालय है मोहरे द्वारा पूरा का पूरा फाइन कंपनी को बाध्य किया जाएगा, उसी को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि गलती तो उसने करी है, आपने तो नहीं करी, कंपनी ने आपको तनख्वाह नहीं दी, वीज़ा आपने कंपनी ने कैंसिल करके पासपोर्ट आपको पकड़ा देती, तो आप अपने हिसाब से देख लेते, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैं बता दूं 2 साल का वीज़ा है, उसमें मान लीजिए कंपनी ने 1.5 साल के बाद में आपका वीज़ा रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो या फिर तो 1 महीने बाद बचा तब रद्द कर दिया, तो उस टाइम में आपके पास 1 महीने का टाइम बचता है, जी हाँ, जिसको आप ग्रेस पीरियड बोल सकते हैं। 1 महीने के दौरान आप वहीं पर दूसरा वीज़ा लगवा सकते हैं दूसरी कंपनी में, ये आपको बेनिफिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस कंपनी ने वीज़ा, ए कंपनी ने वीज़ा कैंसिल कर दिया, वीज़ा में अभी टाइम पड़ा है, ठीक है, 1 महीने का, 2 दिन, मतलब कितना भी टाइम पड़ा है, तो उसी दौरान आप दूसरी कंपनी में वीज़ा अप्लाई करोगे तो वीज़ा लग जाएगा। जैसे वीज़ा आज आपका ख़त्म हो गया, अगस्त में ख़त्म हो गया, और वीज़ा आप लगवा रहे हो जनवरी तक आपका वीज़ा टाइम निकल गया, तो उस दौरान वो फाइन बढ़ेगा, जुर्माना, फिर वो फाइन पूरा पे होने के बाद आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा, कहने का मतलब बहुत महंगा पड़ जाता है, वीज़ा स्टेटस करना ज़रूरी
है, तो आप मेरी बात को शायद समझ गए होंगे। इस तरह से आप ये कदम उठाओगे तो कल को भविष्य में कंपनी आपके साथ ऐसा कर लेती है तो उसका जो भी जुर्माना होगा, उसका जो फाइन होगा, वो फिर कंपनी को चुकाना पड़ेगा, आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? कई बार ऐसा होता है, आप एक बात और बता दूंगा, कई बार ऐसा होता है जैसे कंपनी में वीजा आपका 2 साल का 24 महीने का था, कंपनी ने 6 महीने तनख्वाह नहीं दी, फिर आपने प्रेशर डाला तो फिर कंपनी ने क्या किया कि आपको सैलरी तो दे दी लेकिन आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है, फिर आप कहाँ जाओगे? समझ रहे हो? तो वो फिर आपने कहीं शिकायत नहीं की, इसका मतलब आप गलत हो गए, तो फिर वो वीजा के एक्सपायर होने के बाद जो टाइम निकला है 2 महीने 3 महीने, वो फाइन आपको खुद को चुकाना पड़ेगा। उससे बढ़िया जैसे आपको सूचना मिले आप मोरे में या मानव संसाधन मंत्रालय में शिकायत कर दें एप्लीकेशन लिखित में, ताकि कल को ऐसी नौबत आए तो पूरा पांडा कंपनी के ऊपर फूट जाए। आप समझ गए होंगे मेरी जानकारी को। फिर भी आपको आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप भाई कमेंट कर दें, अभी मैं रोज कमेंट के आंसर वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।